क्या अभी तक सहारा निवेशकों का अमाउंट उनके खाते में नहीं आया है? जी हाँ, सहारा इंडिया परिवार के 10,000 रुपए नहीं मिले तो आपको बता दें क्या काम आपको करना होगा। सहारा इंडिया परिवार की 4 सहकारी समितियों में देश के करोड़ों निवेशकों के पैसे फंसे हुए हैं। जिन पैसे को रिफंड करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया था, लेकिन आपको बता दें ये सिर्फ सरकार के द्वारा अभी तक केवल लॉलीपॉप दिया गया। किसी के भी खाते में जो सहारा का अमाउंट है वो अभी तक नहीं आया। सहारा निवेशक खासा परेशान है। सहारा इंडिया परिवार रिफंड पोर्टल के जरिए जिन्होंने घर बैठे रिफंड लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था, उन्हें पहले चरण में 10,000 तक रिफंड किया जाना था, लेकिन उन्हें नहीं प्राप्त हुआ है। केंद्र सरकार के द्वारा 5,000 करोड़ रुपए सहारा के निवेशकों को रिफंड के रूप में वापस लौटाए जाएंगे। ऐसे में अगर आपका भी पैसा सहारा इंडिया के किसी भी फंड में फंसा हुआ है और आप रिफंड लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो आपके लिए जानकारी काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो चलिए जानते हैं सहारा रिफंड पोर्टल कैसे काम करता है, क्या इसका पूरा प्लान है, रिफंड किस प्रक्रिया से निवेशकों को मिलेगी, इससे संबंधित जानकारी हम आपको बताते हैं। सहारा इंडिया के विभिन्न फंड में जिन निवेशकों ने निवेश किया था और उनका मैच्योरिटी पीरियड कम्प्लीटेड है, उनका रिफंड नहीं मिल पा रहा, तो उनको रिफंड के लिए केंद्र सरकार CRCS सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत उनके लिए किया गया था, जिसके जरिए सरकार 5,000 करोड़ रुपए 45 दिवस के भीतर ट्रांसफर करने वाली थी, लेकिन अभी तक ट्रांसफर नहीं हो पाए। बता दें कि सहारा इंडिया के विभिन्न फंड सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड एवं स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में देश के करीब कोने कोने के लाखों निवेशकों के 1.12 लाख करोड़ रुपए फंसे हुए हैं, जिन पैसे को रिफंड करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत कर दी गई, जिसके तहत अभी रिफंड की प्रक्रिया शुरू करके प्रत्येक एलिजिबल निवेशकों को 10,000 तक वापस किए जा रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सिर्फ सरकार अपना बोझ बटोरने के लिए सब कर रही है, बाकी अभी तक सारा निवेशकों को कुछ भी राहत नहीं मिल पाई है। सारा रिफंड पोर्टल पर रिफंड की प्रक्रिया के लिए सरकार नए सिरे से रोड मैप तैयार करके रिफंड की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। जल्द ही सभी एलिजिबल निवेशक को रिफंड कर दिया जाएगा, ऐसा सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जो हमें ज्ञात हुआ है, वो मैं आपको बता रही हूँ कि जितने भी एलिजिबल निवेशक हैं, एलिजिबल कहने का मतलब मेरा ये है जिनकी जो मैच्योरिटी अमाउंट है उनका कम्प्लीट हो गया है, जिन्होंने निवेश किया था उसका जो टाइम पीरियड है वो कंप्लीटेड है और उन्हीं को ये पैसा मिलेगा। दूसरी बात है, अगर आपने आईडी एड्रेस प्रूफ जो भी है वैलिड अपलोड किया है, कोई इशू नहीं है, नाम में कोई करेक्शन नहीं है, तो भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। और सबसे ज़रूरी बात यह है, मैं आपको बता दूँ कि आपके पास वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, वैलिड मोबाइल नंबर का जो आपका अपडेट मोबाइल नंबर होना चाहिए, जो आपका मोबाइल नंबर निवेशक जो आपने निवेश किया था उस फॉर्म पे पड़ा हुआ है, या आपका जो बैंक अकाउंट है, जो आपकी पासबुक है, उसमें आपका मोबाइल नंबर अपडेट है, वो आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। दूसरी बात, अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है या वहाँ पे अप्रूव नहीं हुआ है, तो आपको इसके लिए दोबारा से फिर से फॉर्म अपलोड करना पड़ेगा और आपको ये पता करना पड़ेगा कि किस वजह से आपको फॉर्म कैंसिल हुआ है। लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जनवरी तक आपका अमाउंट आपके खाते में आ सकता है, ऐसा सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर UKG के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।